आजकल आईटी सेक्टर दुनिया की सबसे पसंदीदा शाखा में से एक है और यह यूजर की सोच को टेक्नोलॉजी की मदद से हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। आईटी कंपनियां मशीन लर्निंग, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग, वेब टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेक्नोलॉजी आदि जैसी तकनीकों पर काम करती है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की टॉप 10 आईटी कंपनियां कौन सी हैं। नंबर एक पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम TCS के नाम से भी जानते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया है। इस कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इस कंपनी के फाउंडर टाटा सन्स थे। JRD टाटा इसके पहले चेयरमैन थे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनियों में से एक है। नंबर दो पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे महाराष्ट्र में 7 इंजीनियरों के साथ की गई थी। इस कंपनी की भारत में 9 ब्रांच हैं तथा दुनिया भर में 30 से अधिक हेडक्वार्टर हैं। इन्फोसिस नास्डेक में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी है। इन्फोसिस BSE और NSE में लिस्टेड कंपनियों में से एक है। नंबर तीन पर है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ आईटी कंपनियों में से एक है। HCL कंपनी की स्थापना 11 अगस्त 1976 को शिवनाडर के नेतृत्व में 6 इंजीनियरों के साथ मिलकर की गई थी, जो पर्सनल कंप्यूटर बनाते थे। HCL कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में स्थित है। आज HCL में 3 कंपनियां हैं, HCL टेक्नोलॉजी, HCL इंफोसिस्टम्स और HCL हेल्थ केयर। नंबर चार पर है विप्रो। विप्रो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। विप्रो कंपनी की स्थापना अजीम प्रेमजी द्वारा की गई थी। विप्रो भारत की आईटी कंपनियों में से एक है। विप्रो कंपनी के द्वारा कंसल्टेंटिंग, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, रोबोटिक्स, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्र में काम किया जाता है। नंबर पांच पर है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी में से एक है। टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इस कंपनी की स्थापना 1986 में आनंद महिंद्रा के द्वारा की गई थी। यह महिंद्रा समूह की एक सहायक कंपनी है। यह कंपनी सूचना टेक्नोलॉजी सेवाएं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रदान करती है। भारतीय कंपनियों के अधिक कस्टमर्स मुख्य रूप से USA के हैं। हालांकि टेक महिंद्रा के प्राइमरी और ग्राहक यूरोप और UK के हैं। नंबर 6 पर है लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 23 दिसंबर 1996 को की गई थी। नास्कॉम के अनुसार लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक एक्सपोर्ट रेवेन्यू के मामले में 6ठी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी है। लार्सन एंड टर्बो के द्वारा आईटी कंसल्टिंग, आईटी सर्विस मैनेजमेंट और डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशन आदि क्षेत्र में कार्य करती है। एम्फेसिस लिमिटेड। एम्फेसिस लिमिटेड भारत की शीर्ष सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों में से एक है। एम्फेसिस सूचना टेक्नोलॉजी सेवाएं, एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग सेवाएं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। एम्फेसिस लिमिटेड कंपनी की स्थापना जेरी राव और जोरेन टॉस ने की थी। नंबर 8 पर है माइंडट्री लिमिटेड। माइंडट्री नए जमाने की भारतीय आईटी कंपनियों में से एक है, जिसने भारत की कुछ सबसे बड़ी आईटी कंपनियों की तुलना में डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया था। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1999 को 10 लोगों ने मिलकर की थी। माइंडट्री एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और सेवा कंपनी है। माइंडट्री कंपनी का हेडक्वार्टर भारत के बेंगलोर और US के न्यू जर्सी में है। माइंडट्री कंपनी के द्वारा ई कॉमर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। नंबर 9 पर है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक ग्लोबल और सबसे तेजी से बढ़ती अगली पीढ़ी की आईटी बीपीओ और सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। यह भारत की शीर्ष 10 आईटी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में स्थित है। हेक्सावेयर विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है, जैसे एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल इंश्योरेंस, फाइनेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज आदि शामिल हैं। नंबर 10 पर है NIIT। NIIT का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। NIIT एक ग्लोबल एजुकेशन ओरिएंटेड कंपनी है, जो कंप्यूटर ज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। इस कंपनी की स्थापना 2004 में राजेंद्र एस पवार और विजय के धड़ानी ने की थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल मनीलैंड YT को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।